फ्रेंड हेलो, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। मैं चांदनी अपने यूट्यूब चैनल झारखंड की चांदनी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग को सुनने में अजीब लग रहा होगा क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, तो आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि दो दिन से मैं बीमार थी और बहुत ही ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया था, जिस कारण मेरा गला बैठ गया। और कारण भी है कि बच्चों को लाना ले जाना, धूप में आना जाना और आकर ठंडा पानी पीना, इस वजह से मेरा गला बैठ गया। तो आप सब प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि बहुत ही तेज़ धूप है और धूप से आने के बाद तो प्यास लगना तय है। और हम सब फ्रिज का पानी पी लेते हैं, इस कारण मतलब गला बैठ जाता है और तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं भी ऐसा ही की, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, आते के साथ मैं फ्रिज का पानी पी ली जिस कारण मेरा गला काफ़ी बैठ गया था। तो अभी तो मैं मेडिसिन ले रही हूँ जिससे बहुत ही आराम है और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। दो दिन से तो मेरी आवाज़ मतलब वैसी नहीं निकल रही थी, बहुत भारी भारी आवाज़ निकल रही थी, इस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और कल मेरा फास्टिंग था और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो बस मैं पूजा करके और आराम ही कर रही थी, घर का काम भी नहीं कर पा रही थी ठीक से। तो मेरी बहन बेटी आई हुई है, वही घर का काम सारा कर रही थी। तो आज से मुझे कुछ ठीक लग रहा है, तो मैं सोची कि आज आप लोगों से थोड़ी देर बातें कर लूँ और कुछ वीडियो शेयर करूँ ब्लॉग्स का। तो बच्चे स्कूल गए हैं और थोड़ी ही देर में बच्चे भी आएंगे, तो मैं जल्दी से जा रही हूँ, खाना बना लेती हूँ क्योंकि फिर बच्चों का लाने का टाइम हो जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स कितनी तेज़ धूप है। कल तो बारिश भी हुई थी और मौसम भी बहुत अच्छा था, लेकिन आज फिर धूप मतलब हो गई है। तो मैं अभी जा रही हूँ अपनी बेटी को लाने क्योंकि उसके आने का टाइम हो गया है और मुझे बस स्टॉपेज पे पहुँचना होगा टाइम से, क्योंकि बस आ भी जाती है टाइम पर, कभी कभार लेट होती है बस। तो मैं वहीं जा रही हूँ, मैं छाता लेकर जा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सड़क अभी धूप के कारण सुनसान है, मतलब जिन्हें काम है वही लोग निकल रहे हैं। तो मैं पहुँच ही गई हूँ बस स्टॉपेज पे, ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग का। मेरी बेटी जब आएगी तो मैं उसे सीधे लेकर घर आऊँगी क्योंकि बहुत ही तेज़ धूप है और धूप में कहीं निकलने का मन नहीं करता। तो मैं अब घर वापस आ रही हूँ अपनी बेटी को लेकर, और घर जाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी और आप लोगों को मैं कुछ दिखलाना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने स्कूल में क्या बनाया है। और वैसे तो उसने आधा काम घर पे ही कर लिया था, तो मैं आप लोगों को दिखलाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और आप सब प्लीज़ देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, तो मैं आप लोगों को दिखलाऊँगी। फ्रेंड्स देखिए ये पॉट है और स्कूल में बनाने के लिए बोला गया था, सारे सामान तो हम सब पहले ही खरीद चुके थे। तो मेरी बेटी ने सारा डेकोरेशन किया है, इसमें भी और भी कुछ काम बचे हुए हैं लेकिन वो सिर्फ अकेले ही सारा चीज़ की, मैंने कुछ भी हेल्प नहीं की है इसकी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने खुद से सारे काम किए। ये पॉट को तो घर पर ही कलर मतलब पेंट कर दी थी ब्लैक कलर से, और अभी उसमें वो पेंसिल पेन वगैरह रख रही है, तो बाकी का जो काम बचा हुआ है वो कुछ दिन में पूरा कर देगी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बतलाइएगा। और फ्रेंड्स देखिए अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल तो किया हुआ है, तो लग रहा है कि आज का भी मौसम बहुत ही अच्छा होगा। और ये देखिए हरे भरे पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब बारिश होगी तो हरियाली तो आएगी ही, और मैं आपको दिखलाती हूँ कि बादल कैसा किया हुआ है। उस समय बहुत तेज़ धूप थी लेकिन अभी कुछ घंटों के बाद देखिए फ्रेंड्स बादल आपको दिख रहे होंगे। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, अभी तेज़ बारिश नहीं हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरे बालकनी में मैंने जो पौधे लगाए हैं सुदर्शन का, वो भी अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसमें फूल कब निकलेंगे पता नहीं। और ये आंकड़े का पौधा है तो इसमें एक नई डाली निकल रही है, आप देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अच्छा लगता है ना जब हम कुछ चीज़ लगाते हैं और वो जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, फलते फूलते हैं, तो बहुत ही खुशी मिलती है। और यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स इसमें भी ये फूल वाइट कलर के आते हैं और एक अमरूद का पौधा इसमें निकल आया है, और ये एलोवेरा है, ये चीज़ का पत्ता है मतलब पौधा है। और ये मेरी बेटी देखिए क्या लेकर आ रही है। आज हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया है क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों का मन था, तो देखिए बच्चे बहुत ही जल्दी खाना
चाहते थे, तो आते के साथ देखिए कैसे मतलब पैकेट को खोला और कटिंग कर रहे थे, तो कटिंग किया हुआ रहता है लेकिन ठीक तरह से नहीं होता है, तो बच्चे प्लेट ले लेकर खड़े और लल्ला जो है वो तो लग रहा है कि टूट पड़ेगा पिज़्ज़ा पे। तो ये डोमिनोज पिज़्ज़ा है जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगी क्योंकि मैंने अभी जस्ट खाना खाया है, तो भूख मुझे तो वैसे है नहीं, तो बच्चों का मन था तो बच्चे खा रहे हैं, ऑर्डर किए हैं, तो मैं बोली कि ठीक है तुम लोग खाओ, मुझे थोड़ा सा दे देना, मैं बस चख लूँगी। और वैसे भी पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन मेरा फेवरेट वैसे नहीं है पिज़्ज़ा, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा गर्म होती है तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन घर आते आते ये थोड़ी ठंडी हो जाती है, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो खाने में अच्छा ही लगेगा। और ये लल्ला बाबू अपना पिज़्ज़ा लेकर आए और घर पूरा अस्त व्यस्त है क्योंकि स्कूल से आने के बाद मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता, बिल्कुल थक जाती हूँ धूप के कारण, तो अभी बारिश हुई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और पिज़्ज़ा खाने के बाद मैं आ गई किचन में, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं चली अपना सारा काम करने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।